खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के कंटेस्टेंट को कितनी सैलरी मिल रही है पर वीक के हिसाब से? वेल, एक हफ्ता हो चुका है और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जहां फर्स्ट एपिसोड सामने आ चुका है, सबकी परफॉर्मेंस फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है, लेकिन अब ये खुलासा हो चुका है कि आखिर पर वीक के हिसाब से, पर एपिसोड के हिसाब से किस कॉन्टेस्टेंट को सबसे ज़्यादा पेमेंट मिल रहा है और किसे कम पेमेंट मिल रहा है। वेल, किसे कितना मिल रहा है, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ केशवी और स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पर बात करते हैं खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के कंटेस्टेंट्स की, तो सभी आपस में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी हैं और काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हैं। अब बात करते हैं कि आखिर कितना पे जो है यहाँ पर मेकर्स कर रहे हैं इन कॉन्टेस्टेंट्स को खतरों के खिलाड़ी सीजन 12 के लिए पर वीक के हिसाब से। वेल, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले नाम जो है एरिका पैगार्ड का, जो कि वो फर्स्ट वीक में ही एलिमिनेट हो गई और फर्स्ट वीक में ही वो बाहर चले गई शो से। तो एरिका पैगार्ड को 2 लाख रुपीज जो है पर वीक के हिसाब से मिले। वेल, फैजू जिन्हें 5 लाख मिल रहे हैं, वहीं कनिका मान जिन्हें 6 लाख मिल रहे हैं। मोहित मलिक को भी 6 लाख पर वीक के हिसाब से मिल रहे हैं। तुषार कालिया को 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। निशांत भट्ट की अगर बात करें तो 4.5 लाख जो है पर वीक के हिसाब से मिल रहे हैं। राजीव अदातिया अनेरी जिन्हें 4 लाख पर वीक के हिसाब से मिल रहे हैं। वहीं जन्नत जुबैर जिन्हें 6 लाख मिल रहे हैं। श्रीति झा जिन्हें 8 लाख मिल रहे हैं। प्रतीक सहजपाल जिन्हें 10 लाख मिल रहे हैं। शिवांगी जोशी जिन्हें 12 लाख मिल रहे हैं। रुबीना दिलाय जिन्हें 15 लाख मिल रहे हैं। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि सबसे हाईएस्ट पेड कॉन्टेस्टेंट जो है वो रुबीना दिलाय है। वहीं दूसरे नंबर पर शिवांगी जोशी है। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो वो है प्रतीक सहजपाल, जी हाँ। वहीं रोहित शेट्टी की बात करें तो 55 लाख जो है उन्हें पर वीक मिल रहा है, जी हाँ, पर वीक के हिसाब से जो है रोहित शेट्टी को 55 लाख मिल रहे हैं। क्या है आपके रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिए। बॉलीवुड टेलीविजन और एंटरटेनमेंट जगत की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।